सो गाइस आई होप आप लोग को मेरा सिनेमैटिक शॉर्ट्स पसंद आया सेटअप का। ये अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो आप लोग को पता होगा ये वॉल पे सारे एनीमे और गेम्स के पोस्टर थे, तो अभी मैंने सब हटा दिए। मैं ये वॉल को फिर से अपडेट करूँगा वेरी सून। तो अभी के लिए मैं आपको मेरे सारे पेरिफेरल्स पूरा सेटअप दिखा देता हूँ। तो मैंने सब कुछ वायरलेस रखने की कोशिश की। तो ये लॉजिटेक G304 वायरलेस माउस, मेरे को बहुत पसंद है ये माउस, काफ़ी अच्छा है। बैटरी लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग है। आई गेस मैंने 6 मंथ्स पहले ही माउस लिया था एंड अभी तक मेरे को सिर्फ 2 बार बैटरी बदलनी पड़ी है। और ये है मेरा माउस पैड बाय रेडगियर, MK44 है मॉडल नंबर। इसका साइज़ लार्ज है, मेरा टेबल ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मुझे लार्ज ही लेना पड़ा। देन ये मेरा RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसके स्विचेस ब्लू है बाय टैग गेमर्स, ब्लू स्विचेस ऑटोमेव के है जो चेरी MX के रेप्लिका है। देन ये मेरा प्राइमरी मॉनिटर है एसर का 27 इंच 144 Hz एंड 1 ms रिस्पॉन्स टाइम। जो भी वंडर कर रहा है मेरे को ये इतने अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स कहाँ से मिलते हैं, तो यू कैन डाउनलोड वॉलपेपर इंजन फ्रॉम स्टीम, दिस ऑफ आई गेस 230 rupees राइट नाउ, काफ़ी वर्थ इट है। बहुत अच्छे अच्छे लाइव वॉलपेपर मिल जाएंगे आपको उसमें, सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड दिस इज़ माई लैपटॉप डेल G3, इसमें प्रोसेसर इंटेल का i4 i7 है और ग्राफिक कार्ड है मेरा NVIDIA 1050 Ti। थोड़ा पुराना है बट ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है, मेरे को अच्छे खासे FPS आ जाते हैं कॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मॉनिटर। आप लोग को ये बात पता नहीं होगी बट एक्सटर्नल मॉनिटर लैपटॉप में लगाने से FPS काफ़ी बूस्ट होते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट, दैट्स प्रीटी मच इट। ये लैपटॉप को मैंने कूलिंग पैड पे माउंट किया हुआ है क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर जाता है लैपटॉप का, तो कूलिंग पैड इज़ अ मस्ट। एंड मेरे हेडफोन्स है HyperX के क्लाउड सिंगर कोर वायरलेस, 7.1 वाले नहीं है क्योंकि जब मैंने लिया 7.1 अवेलेबल नहीं था एंड आई एनीवे डोंट यूज़ 7.1, मैं नॉर्मल ही प्रेफर करता हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच इट विथ माय सेटअप। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड अप्रिशिएट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट मोर सच कंटेंट, और कमेंट्स में ज़रूर सेटअप मेरा रेट करना। एंड मुझे ऑल्सो बताओ आप लोग को वीडियो चाहिए कि नहीं, FPS मेरे कैसे बूस्ट हुए एक एक्सटर्नल मॉनिटर से। If yes, then I'll surely make one video about it too.